ये कुछ ज्वेलरी का आइडिया था दोस्तों, जो आपको तैयारी करके पहले से रख लेना है जब भी आप बच्चे को रेडी लेकिन करें। आज आज ये ये वीडियो वीडियो थोड़ा थोड़ा सा सा अलग अलग है है क्योंकि क्योंकि इसमें इसमें मैं मैं आपको आपको सिखाऊंगी सिखाऊंगी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मेकअप मेकअप बनाना, बनाना, देखिए देखिए इस इस तरीके तरीके से से बनाया बनाया इसका इसका कलर। कलर। अब अब हम हम इसको इसको दो दो तरीके तरीके से से बनाएंगे। बनाएंगे। यूज यूज करिए करिए घर घर पे पे बना बना हुआ हुआ ही ही मेकअप। मेकअप और और अब अब देख देख लेते लेते हैं हैं कि कि बच्चों बच्चों का का कॉस्ट्यूम कॉस्ट्यूम किस किस तरीके तरीके से से बनाना बनाना है। है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि आप जन्माष्टमी पर अपने बच्चे को बहुत ही आसानी से बेबी कृष्णा जैसे रेडी कर सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो शेयर किए हैं जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं, लेकिन आज ये वीडियो थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें मैं आपको सिखाऊंगी ऑर्गेनिक मेकअप बनाना, जिससे कि अगर आपका बच्चा बहुत छोटी उम्र का है तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास कॉस्ट्यूम नहीं है तब भी आप अपने दुपट्टों से किस तरीके से कॉस्ट्यूम रेडी कर सकते हैं तुरंत ही ये बताऊंगी, और कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे कि बहुत ही इजी तरीके से आप अपने बच्चे को रेडी कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे टीका और साथ ही ऑर्गेनिक पैरों में लगाने का अलता। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब ये मेकअप बनाते हैं तब तो फ्रेश बनाइए। यहाँ पर मैंने एक बीटरूट लिया था और उसको इस तरीके से कट कर दिया था छीलकर, और उसके बाद इसको मिक्सी में अच्छी तरीके से पीस लिया था। पीसने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, इसमें 2-3 चम्मच जितना। उसके बाद उसको बहुत ही अच्छे से छान लेना है। आप चाहे तो कपड़े से भी छान सकते हैं या फिर कोई बारीक छन्नी से इसको छान लीजिए, और कोशिश करिए कि 2 बार छाने ताकि जो भी हार्ड पार्टिकल्स हैं वो निकल जाए। इसके बाद हमें एक पैन लेना है और इसको गर्म करना है, और इसमें बीटरूट के जूस को डाल देना है, और इसके बाद इसको हमें तब तक पकाना है जब तक ये आधा ना हो जाए। इसको चलाते रहना है ताकि ये बिल्कुल भी चिपके नहीं नीचे की तरफ, नहीं तो ऐसा हो जाता है कि नीचे चिपक जाएगा अगर बर्तन में तो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको कोशिश करते रहिए कि चलाते रहें जब तक कि ये बिल्कुल आधा ना हो जाए। जब आधा हो जाएगा तो इस तरीके का इसका कलर बहुत ही सुंदर बन जाता है, बिल्कुल रेडीमेड आलते जैसा। देखिए इस तरीके से बना है इसका कलर। अब हम इसको दो तरीके से बनाएंगे, एक तो अपनी स्किन पे लगाने के लिए और एक अलता और टीका लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी ले ली है और दोनों में थोड़ा थोड़ा जूस ऐड कर दिया है। इसके बाद हम सबसे पहले बनाएंगे अपनी स्किन पे लगाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि इसको हम बच्चों के लिए ही रेडी कर सकते हैं, इसको आप अपने लिए भी बना सकते हैं। आजकल जो लिप टिंट और चिक टिंट निकले हैं वैसा आप घर पे भी बना के इस तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वैसलीन लूँगी और 1/2 चम्मच जितना वैसलीन मैं इस जूस में मिक्स करूँगी, और उसके बाद हमें डबल बॉयलर की हेल्प से, या फिर अगर आपके पास माइक्रोवेव है घर में तो आप माइक्रोवेव में भी इसको गर्म कर सकते हैं। वैसलीन को गर्म करना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये मेल्ट होके बहुत ही अच्छे तरीके से इस जूस के साथ में मिक्स हो जाए और एक बहुत ही अच्छा सा पेस्ट जैसा रेडी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने, देखिए आप, इतना वैसलीन लिया है और इसको डबल बॉयलर की हेल्प से मैंने गर्म किया, और इसके बाद कुछ इस तरीके से बन गया ये। अब इसको आप नेचुरल मेकअप के जैसे आप चिक्स पे लगाने के लिए, लिप्स पे लगाने के लिए रख सकते हैं। आप चाहे तो अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं या बच्चे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसको फ्रेश बनाएंगे तो ये कोई भी नुकसान नहीं करेगा। अपने लिए अगर आप बना कर रखते हैं तो कोई एयर टाइट कंटेनर में इसको आप फ्रिज में स्टोर करके 1 हफ्ते तक चला सकते हैं। तो ये तो बन गया हमारे चिक्स और लिप्स के लिए। इसके बाद हमें बनाना है पैरों और हाथों में लगाने के लिए जो अलता है वो, और साथ ही बिंदी। तो जो दूसरा बाउल है उसमें हमें मिक्स करना है कुमकुम। कुमकुम वही जो आप पूजा में यूज़ करते हैं रेड कलर का, कोशिश करिए कि बहुत ही सुंदर सा रेड कलर का कुमकुम आपके पास हो उसको मिक्स करिए। ऑरेंज वाला मिक्स नहीं करना है यहाँ पर। रेड वाला जब आप थोड़ा सा इसमें मिक्स करेंगे तो ये आपका अलता जैसे बन के रेडी हो जाएगा। इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करके रख लेना है, और जब भी आप इसको लगाएंगे तो इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें एक छोटी सी टिप है कि जब भी आप इसको हाथ में या पैरों में लगाते हैं तो एक बार लगाने के बाद थोड़ा सा साफ पानी से हाथ को बच्चों के धुलवा लीजिए ताकि वो बाद में दाग ना छोड़े। नहीं तो कई बार क्या होता है कि फिर वो गीले में अगर हाथ डालते हैं तो फिर अपने चेहरे पर और कपड़ों पर भी कलर लगा लेते हैं, इसलिए हाथ जरूर धुलवाएं एक बार। तो देखिए इसका कलर कुछ इस तरीके से आया है, बिल्कुल रेडीमेड अलते जैसा है इसका कलर आता है और बहुत ही सुंदर कलर आता है। तो इस बार यूज़ करिए घर पे बना हुआ ही मेकअप। और अब देख लेते हैं कि बच्चों का कॉस्ट्यूम किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर दुपट्टे से हम रेडी करेंगे। तो 2 दुपट्टे मैं यहाँ पर ले रही हूँ धोती बनाने के लिए। सबसे पहले धोती का ही होता है क्योंकि हर साल हम बच्चे की हाइट बढ़ जाती है तो ऐसा लगता है कि हर साल नई धोती लेनी पड़ती है। तो दुपट्टे से घर पर आसानी से ही धोती बनाई जा सकती है और ये दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत कंफर्टेबल रहती है अगर आप अच्छी तरीके से इसको बनाएंगे तो। दुपट्टे को दोनों तरफ से इक्वल लेना है और इस तरीके से बीच में सेफ्टी पिन से आप इसको अच्छे से सिक्योर कर लीजिए ताकि ये निकले ना। आप चाहे तो नॉट भी बना सकते हैं लेकिन वो खुलने का डर रहता है, इसलिए मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन का यूज़ करती हूँ।
उसके बाद जो दोनों तरफ के कपड़े हैं जो दुपट्टे के, उसको इस तरीके से सेंटर से बीच में से ले जाएंगे और पीछे की तरफ अच्छी तरीके से इसको भी हमें लगा देना है। इसको दो तरीके से लगाया जा सकता है, एक तो हम साड़ी में जैसे प्लेट्स लेते हैं उस तरीके से करके भी आप सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, या फिर इस तरीके से साइड में भी आप इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ले करके डेकोरेट कर सकते हैं जिससे कि थोड़ी खुली खुली सी धोती दिखेगी। अब तो ये बना दिया आपने धोती, इसके बाद जो हमें बनाना है ऊपर की तरफ का कुर्ते टाइप का जो बनता है वो बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास आप चाहें तो ऊपर कुछ भी ना पहनाए सिर्फ ज्वेलरीज पहना लीजिए तो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं दुपट्टे से एक बहुत ही अच्छा सा आपको कॉस्ट्यूम बनाना बता रही हूँ यहाँ पे, जैसा कि मैंने लास्ट ईयर भी बनाया था। तो ये देखिए इस तरीके से बिना इसको कुछ भी टी शर्ट वगैरह पहनाए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि दुपट्टे को जैसे हम प्लेट्स बनाते हैं साड़ी में, वैसे प्लेट्स बनाकर इस तरीके से पीछे की तरफ क्रॉस में लेकर के हमें सेफ्टी पिन लगा देना है बहुत ही अच्छे से, और जो बचा हुआ नीचे का कपड़ा है उसको हमें धोती में अच्छे से टक इन कर लेना है ताकि वो दिखे ना इस तरीके से कुछ। अब सामने की तरफ भी सेम ऐसे ही करना है कि दुपट्टे को क्रॉस में रखना है और बीच में सेफ्टी पिन लगाना है। आप चाहें तो कोई अच्छी सी डेकोरेटिव सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि जिसमें थोड़ा बहुत हैंगिंग वगैरह हो तो बहुत अच्छा दिखता है। और फिर साइड से इस तरीके की प्लेट्स का एक एक पार्ट निकाल कर आप देखिए कृष्ण जी के जैसे कपड़े होते हैं बिल्कुल वैसा ही दिखता है ये, और पीछे की तरफ भी एक सेफ्टी पिन लगा देना है। अब ये बहुत ही अच्छा सा कॉस्ट्यूम आपका घर पर ही बनके तैयार हो गया है, आपको कहीं से भी कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दुपट्टे से आप इसको रेडी कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि ज्वेलरीज कैसी पहनानी है। तो कृष्ण जी के गेटअप में हमेशा मोती की ज्वेलरीज बहुत अच्छी दिखती है दोस्तों, इसको आप ऑरेंज कलर या फिर येलो कलर के कॉस्ट्यूम के साथ पहनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही बच्चों के जो इयररिंग्स आप बनाना चाहते हैं इस तरीके की बाली टाइप के इयररिंग्स चॉइस करिए, इसमें आप बच्चों के कान के साइज़ का आप धागा लगा सकते हैं और फिर उसको फिट कर सकते हैं। अपने कुछ एडजस्टेबल रिंग्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। बाजूबंद बनाने के लिए आप अपने ब्रेसलेट्स का यूज़ कर सकते हैं या इस तरीके का मार्केट में मिल जाता है, बहुत ही कम प्राइस में अच्छे अच्छे इस तरीके के मिल जाते हैं, तो ऐसे भी लेकर रख सकते हैं कुछ ऐसे स्पेशल ओकेजन के लिए। और इसके बाद पैरों में पहनाने के लिए ऐसे कड़े ले सकते हैं जो कि एक तरफ से खुले हो, या फिर स्क्रू वाले कोई कड़े हैं तो उसको भी पहना सकते हैं, या कोई माला है उसको भी आप लपेट के पैरों में पायल के जैसे पहना सकते हैं। आप चिपकाने वाली बिंदी का भी यूज़ कर सकते हैं, और बांसुरी लेना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरीके की कोई लेस भी आप कमर पे बांध सकते हैं जिससे कॉस्ट्यूम का गेटअप और भी अच्छा आ जाएगा, और बहुत सारी सेफ्टी पिन तो लगेगी ही आपको। तो ये कुछ ज्वेलरी का आइडिया था दोस्तों जो आपको तैयारी करके पहले से रख लेना है जब भी आप बच्चे को रेडी करें उसके पहले। अब देखते हैं कि कृष्ण जी को टीका कैसे लगाना है। तो इस तरीके की यू पिन तो हमारे पास होती ही है, तो इसमें आप आगे की तरफ थोड़ा सा बिंदी जो हमने बनाई है वो लगा करके आप एकदम एग्जैक्ट बीच में सेंटर में इसे लगा सकते हैं, नहीं तो बच्चों को लगाते समय अक्सर ऐसा होता है कि टीका टेढ़ा मेढ़ा लग जाता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है एकदम अच्छा सेंटर में सीधा टीका लगाने का। बच्चे थोड़े बड़े हैं तो आप लिक्विड बिंदी का यूज़ करके अलग अलग कलर से भी उनका मेकअप कर सकते हैं, जैसे वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिखता है कृष्ण जी के गेटअप में। सर पे पहनाने के लिए पगड़ी मैंने किस तरीके से बनाई थी अगर आप ये देखना चाहते हैं तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो को फिर यहीं खत्म करना चाहूंगी, उम्मीद करती हूँ इसमें दिए हुए टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए होंगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। आप सभी को एडवांस में जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं मिलूंगी अगले हफ्ते फिर से नए से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।